परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से बिखरे हुए परिवारों को जोड़ने का काम लगातार किया जा रहा है। इसी सिलसिले में शनिवार को जिला विशेष शाखा पुरानी कंट्रोल रूम में महिला थाना परिसर में इस तरह के परामर्श केंद्र का आयोजन किया जाता है, जहां पर विभिन्न विवादों का निपटारा भी किया गया। हमने एक ही नंबर चला दिए हमने चल कितने केसों पर सुनवाई और क्या निष्कर्ष निकले हैं आज? प्रति सप्ताह के अनुसार इस बार भी आवेदन ज़्यादा है, फिर भी अब तक जो समझौते हुए हैं उनको समझाइश दी गई कि परिवार को आपको तोड़ना नहीं है, पति पत्नी को दूर नहीं रहना है, और दूर रहने का उनका कारण यह हो रहा था वही मोबाइल और वही शक की भावना। यदि परिवार में कोई भी व्यक्ति रिश्तों के अर्थ को नहीं समझ पाता है, जब इस तरह की वारदातें गुजरती हैं तो उनको समझाया कि रिश्ते क्या होते हैं, रिश्तों का अर्थ से उनके समझ में आ गया कि ये सही बात है, हम काहे को परेशान हों, तो बच्चों की व्यवस्थाओं को देखकर भी कि भाई आज 6 साल का तुम्हारा बच्चा है, यदि इस बच्चे को पता चल गया कि हमारे माता पिता तो दूर रहते हैं, वो किसको पिता कहेगा, किसको माँ कहेगा। और इस तरह से ऐसे दो परिवार आए कि जिनमें टूटन थी, और केवल रिश्तों के कारण, केवल शक के कारण और एक जिद्द के कारण भी, जबकि ये सब गलत था और ये गलत ही सिद्ध हो गए। और दोनों ने अपने अपने कथन बहुत अच्छे लिखवाए कि हाँ अब हम लोग हिंदू पर हम शक भी करेंगे। पति ने भी लिखवाया कि किसी प्रकार की कोई गलती यदि हो भी गई है तो मैं उसको कभी दोहराऊंगा। आज कितने केस आए तो कितने पर सुनवाई की गई है? आज लगभग 14 केस आए हैं और अभी तक हम लोग 50% पर पहुँच पाए। आज महिला परिवार परामर्श में अभी 14 केस रखे गए थे, जिनमें से 50% केसों में समझौता हो गया है। इनमें अधिकतर मामले परिवार पति पत्नी के आपसी विवादों के संबंध में, जिनमें मतलब पति को कुछ शक था पत्नी के ऊपर या पत्नी से कोई प्रॉब्लम थी और पत्नी को पति से जो जो समस्याएं थी वो आज यहाँ पर उनकी सुनी गई समस्याएं, और दोनों जन भी आपस में समस्याओं पर निराकरण करके सहमत होकर परिवार बसा।